ग्लेबसिविर 375 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है ग्लोबल्स रेमेडीज एलटीडी के द्वारा बनाई जाती है। अमोक्सिलिन 250 mg रहता है और कैल्विनिक एसिड 125 mg रहता है। 122 रुपये का ये पूरा 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है। ये टैबलेट जो कि ट्रीटमेंट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, ये ट्रीटमेंट करती है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, ताकि आपको ग्लेबसिविर 375 mg टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। ग्लेबसिविर 375 mg टैबलेट जो कि बनाया जाता है ग्लोबल्स रेमेडीज एलटीडी के द्वारा बनाया जाता है। अमोक्सिलिन 250 mg एंड कैल्विनिक एसिड 125 mg रहता है। 122 रुपीस का ये पूरा 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का। अगर आप इसको ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये काम कैसे करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात को, तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है, अमोक्सिलिन एंड कैल्विनिक एसिड। अमोक्सिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक्स है जो कि प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के सेल्स वाल को, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। और कैल्विनिक एसिड एक बीटा लैक्टोमेस इनहिबिटर है जो कि क्या करता है कि इनहिबिट कर देता और रेसिस्ट कर देता, रिड्यूस कर देता ऐसे रेसिस्टेंट, जो कि इनहेंस कर देता है एक्टिविटी अमोक्सिलिन के अगेंस्ट में बैक्टीरिया को। तो ऐसे काम करता है ये टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।